नमस्कार साथियों, मैं सुनील स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ई मित्र सीएससी हेल्पलाइन में। जिस फॉर्म का आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था वो फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि आरटीई 2024 एडमिशन फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो चुकी हैं। आपको फॉर्म किस प्रकार से भरना है वो बात आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। उससे पहले निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी सभी को मिलती रहे। देखिए, आपको RTE का ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए इस प्रकार से कोई सा ब्राउजर ओपन करना है और सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना होगा RTE ऑनलाइन। जैसे ही आप RTE ऑनलाइन सर्च करते हो आपके सामने इस प्रकार से एक पेज आ जाता है। यहाँ पे आपको राइट टू एजुकेशन पोर्टल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो और छात्र ऑनलाइन आवेदन वाले ऑप्शन पे भी क्लिक कर सकते हो। चलिए मैं यहाँ पे राइट टू एजुकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको पूरी डिटेल से जानकारी देता हूँ इसकी। इस ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करते हो आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक पेज आ जाता है। यहाँ पे देखिए क्विक लिंक के अंदर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है छात्र ऑनलाइन आवेदन, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हो आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज आ जाता है। इस प्रकार का पेज आने के बाद यहाँ पे ऑप्शन पे ओके करके दिशा निर्देश वगैरह आप यहाँ पे डाउनलोड करके देख सकते हो। हमें ऑनलाइन आवेदन करना है तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहाँ पे देखिए ऑनलाइन आवेदन के लिए यहाँ क्लिक करें, आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर देते हो आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक पेज आता है। यहाँ पे देखिए अभिभावक विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश हेतु आवेदन में अपने परिक्षेत्र में के अधिकतम 5 विद्यालयों का चयन कर सकते हैं। जाति निवास बीपीएल सूची विकलांगता के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र संलग्न आवश्यक है और विद्यालय या फिर विद्यालयों में ऑनलाइन आवेदन करने हेतु सामान्य विवरण के साथ जिला ब्लॉक ग्राम पंचायत एवं ग्राम एडमिशन कक्षा का चयन का डाटा सुरक्षित करें, तत्पश्चात विद्यालय विद्यालयों का चयन पर डाटा सेव करें तथा एडमिशन फॉर्म को फाइनल लॉक बटन पर क्लिक करें। यानी कि आपके फॉर्म को आपको फाइनल लॉक करना होगा तभी आपका फॉर्म भरा हुआ माना जाएगा। इसके अलावा आपको कोई अधिक पत्रता वगैरह देखनी है तो आप यहाँ पे पुलिस वाले आइकन पे क्लिक करके इसकी पत्रता वगैरह देख सकते हो। उसके बाद आपको चेकबुक पे क्लिक करना है, आगे बढ़ने वाले ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, आपको इस पे क्लिक करना है। इसकी आवेदन की अंतिम दिनांक यानी कि आरटीई ऑनलाइन फॉर्म की अंतिम दिनांक 21 अप्रैल 2024 है। आपका ये क्वेश्चन भी आएगा कि आरटीई फॉर्म की अंतिम दिनांक क्या है, तो इसकी अंतिम दिनांक है 21 अप्रैल 2024, जो कि हम फॉर्म भरते समय ऊपरी ऊपर दिखाई देती है। उसके बाद हमारे सामने इस प्रकार का एक पेज आ जाता है। पेज आने के बाद यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी, सामान्य ओबीसी एससी एसटी एसबीसी, तो कैटेगरी यहाँ से सेलेक्ट करनी है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सेलेक्ट करनी है, परिवार की आय यहाँ पर आपको डालनी है, उसके बाद में बच्चा अनाथ है या फिर नहीं है, अगर है तो हाँ करना है, अगर नहीं है तो यहाँ पे नहीं करना है, क्या बालक अथवा बालक के माता पिता संरक्षित कैंसर से अथवा एचआईवी से प्रभावित है तो यस करने में तो आपको यहाँ पे नो करना है, क्या बालक की माता युद्ध विधवा है यानी कि कोई सैनिक था, अगर कोई सैनिक था और वो बॉर्डर पे शहीद हो गया तो यस करने में तो आपको यहाँ पे नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिंग बच्चा स्त्री है या फिर पुरुष है वो यहाँ से सेलेक्ट करना है, विकलांग है या फिर नहीं तो वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना, अगर है तो यस अन्यथा नहीं, बीपीएल है तो हाँ अन्यथा आपको यहाँ पे नहीं करना है। पूरी डिटेल भरने के बाद पात्रता जांच वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही आप पात्रता जांच वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो आपके सामने इस प्रकार से आ जाता है, आप द्वारा भरी गई सूचनाओं के आधार पर बालक का आरटीई ऑनलाइन एडमिशन के लिए पात्र है, कृपया इमेज बटन पर क्लिक करके इसको पॉपअप को बंद करें, तो आपको क्रॉस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्रॉस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड पेज आ जाता है। यहाँ पर आपको विद्यार्थी का नाम डालना है, यानी कि जिस विद्यार्थी के नाम से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है या फिर जिस बच्चे का फॉर्म बना उसका नाम, उसके बाद यहाँ पे देखिए उसका आधार नंबर अथवा आधार पंजीकरण नंबर, यानी कि बच्चे का आधार नंबर यहाँ पे डालना आवश्यक है। अगर बच्चे के आधार नंबर नहीं है आपके पास तो बच्चे का आधार कार्ड बनवाइए और जो आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलता है वो आधार पंजीकरण नंबर यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको धर्म सेलेक्ट करना पड़ेगा, बाद में यहाँ पर आपको धर्म सेलेक्ट करना पड़ेगा, हिंदू मुस्लिम जो भी धर्म है वो यहाँ से सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद बच्चे के पिता का नाम यहाँ पे आपको डालना है, बच्चे के पिता का आधार नंबर डालना है। उसके बाद बच्चे की माता का नाम यहाँ पे डालना है, बच्चे की माता का आधार नंबर अगर आपके पास में अवेलेबल है तो यहाँ पे डाल दीजिए, अन्यथा जरूरी नहीं है। संरक्षक का नाम है तो डाल दीजिए, अन्यथा जरूरी नहीं है। जन्म आधार कार्ड नंबर है तो डाल दीजिए, अन्यथा जरूरी नहीं है। इसी प्रकार से थोड़ा देर जाते हैं सर्वे का मोबाइल नंबर डाले, यही मोबाइल नंबर संपर्क के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि आप जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप डाल रहे हो वो नंबर आपका खुद का होना चाहिए।
कारण ये है कि अगर कल को बच्चे का एडमिशन होता है तो स्कूल से फोन आएगा बच्चे के एडमिशन के लिए, तो ये नंबर बहुत ज़्यादा काम में आएगा, इसी नंबर पे फोन आएगा। तो इस कंडीशन में खुद का नंबर ही डलवाएं यहाँ पे जो अभिभावक होते हैं वो, तो अन्यथा अगर किसी के पास में फोन नहीं है तो अपने जानकार का नंबर ही डलवाएं। उसका जो माता पिता सुरक्षा का पूरा यहाँ पे आपको दस्तावेज के अनुसार उनका जो एड्रेस होता है वो एड्रेस यहाँ पे डालना है, जैसे सबसे पहले जिला सेलेक्ट करना है, उसका जो ब्लॉक सेलेक्ट करना है, उसके बाद ये ग्रामीण है तो यहाँ पे यूएल भी सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे देखिए ग्रामीण है तो यहाँ पे गांव सेलेक्ट कर लेना है, अगर शहरी है तो यहाँ पे नगरपालिका का ऑप्शन आ जाता है, नगरपालिका रावत सरकार या फिर नगरपालिका जो भी होती है वो सेलेक्ट करना है, अगर ग्रामीण है तो कोई सा आपका जो ग्राम गांव होता है वो सेलेक्ट करना है, अगर शहरी आप सेलेक्ट करते हो यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे आपको शहर सेलेक्ट करते हो जैसे मैंने गांव सेलेक्ट किया तो गांव आ गया यहाँ पे, और अगर मैं यहाँ पे नगरपालिका सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे हमें नगरपालिका का ऑप्शन मिल रहा है, अगर मैं यहाँ पे नगरपालिका सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे वार्ड नंबर बनने का ऑटोमेटिक ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको पिन कोड डालना है, उसके बाद आपका जो एड्रेस होता है जो डॉक्यूमेंट में एड्रेस लिखा हुआ है वो एड्रेस डालना है, उसके बाद विद्यार्थी की फ़ोटो यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। अब बात आती है मेन जो कहानी है उसकी, यानी कि जो डॉक्यूमेंट हमें अपलोड करने उसकी बारी यहाँ पे आ जाती है। तो उस कंडीशन के अंदर हमें सबसे पहले देखिए अभिभावक बालक बालिका का निवास संबंधी प्रमाण पत्र, निवास संबंधी प्रमाण पत्र के अंदर आप राशन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली का बिल, पानी का बिल, इतनी चीज़ अपलोड कर सकते हो। ये चीज़ अगर बच्चे की नहीं है तो बच्चे के पिता की अगर होती है तो भी ये चलेगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं आने वाली है। तहसीलदार जारी जारी मूल निवास प्रमाण पत्र है वो भी बच्चे का है तो ठीक है, अगर बच्चे के पिता का है तो भी चलेगा, राशन कार्ड अगर बच्चे के पिता का है तो भी चलेगा। उसके यहाँ पे देखिए बालक बालिका की आयु संबंधी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड होता है तो भी चलेगा, अथवा नगर पालिका या नगर परिषद या नगर निगम अथवा ग्राम पंचायत द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र भी चलेगा, अस्पताल नर्स और दाई रजिस्टर या अभिलेख उनका जो रजिस्टर होता है या अभिलेख होता है वो भी चलेगा, आंगनवाड़ी अभिलेख होता है अगर किसी के पास में तो भी चलेगा, यहाँ पे आधार कार्ड भी वैलिड है। सामान्य था अन्य पिछड़ा वर्ग के जो है उनके लिए यहाँ पे आय प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है, अन्यथा अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र है तो आप यहाँ पे आपके जाति प्रमाण पत्र अपलोड कीजिए और कैप्चर कोड डालिए, कैप्चर कोड डालने के बाद में यहाँ पे आपको देखिए आवेदन पत्र डाटा सेव करने वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। चलिए मैं यहाँ पे पूरी डिटेल फिल करके आपको डाटा सेव करके आगे इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके दिखाता हूँ। तो देखिए आपके नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल करके आपको कन्फर्म करने वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखिए आपका आवेदन क्रमांक और मोबाइल नंबर दिखाई देता है, यानी कि आपका जो आईडी और पासवर्ड है वो आपके नंबर पे भेज दिया गया है, आपकी आईडी आवेदन क्रमांक का जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, आपको ओके वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हो आपके सामने वही सेम पेज होता है, आपको वापस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, जैसे यहाँ पे देखिए ये जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, इस ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से डिटेल आपको दिखाता है और आपका जो स्कूल है वो यहाँ से आपको चूज करना पड़ता है, स्कूल आपके आपने जो वार्ड भरा है उस वार्ड के हिसाब से यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हो आपका स्कूल यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक मिल रहा है, आपको इसको एड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पे देखिए बालक का आवेदन चयनित स्कूल के आधार पर सुरक्षित कर लिया गया है, उसके बाद में वापस आपको अगर कोई और स्कूल बनना है तो उस कंडीशन में थोड़ा सा ऊपर आइए और यहाँ पे आपका वार्ड सेलेक्ट कीजिए, वार्ड सेलेक्ट करके और यहाँ से आप दूसरा स्कूल भी भर सकते हो, जैसे मैंने ये वार्ड सेलेक्ट किया, ये वार्ड सेलेक्ट करते ही इस वार्ड के अंदर जितने स्कूल थे वो मेरे को यहाँ पे दिखाई दिए गए। उसके बाद आप जैसे ये डेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते जाओगे आपका जो एड होता जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप ऊपर नीचे कर सकते हो स्क्रॉलर की मदद से, अगर आप चाहो कोई स्कूल हमारा पहला होना चाहिए तो आप स्क्रॉलर की मदद से ऊपर नीचे कर सकते हो तो आपका स्कूल भी आगे पीछे यहाँ से हो सकता है। उसके बाद वापस आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपको इस प्रकार से आपका आवेदन पत्र दिखाई देता है, आवेदन पत्र यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं एज सिक्योरिटी एजेंट के कारण ब्लर कर रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे आपको पूरी डिटेल दिखाई देती है, पूरी डिटेल देखने के बाद में आपको आवेदन पत्र सुरक्षित एवं लोक करने वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपके फॉर्म का आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। तो इस प्रकार से आप RTE का ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो। उम्मीद है आज के इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नई वीडियो नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।